विनोद खन्ना की 5 ऐसी फिल्में जिनके आगे चकनाचूर हो गया था सबका स्टारडम। अमिताभ बच्चन से तक हो गई थी अनबन। 70 के दशक के विनोद खन्ना ही एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो अमिताभ बच्चन के साथ उस वक्त टक्कर ले सकते थे। भले ही आज विनोद खन्ना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद करते हैं। आज विनोद खन्ना की 5 उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे। विनोद खन्ना के अभिनय के लोग दीवाने हुआ करते थे उन दिनों। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बहुत जमकर जमी थी, तो वही दूसरी ओर ये चर्चाएं हमेशा होती थी कि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के ऊपर हमेशा भारी पड़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन दिनों विनोद खन्ना एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे। लेकिन 1978 की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो गया था कि अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना से खफा हो गए थे। फिर उसके बाद कभी उन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। सबसे पहले विनोद खन्ना की उन 5 फिल्मों के बारे में बात करते हैं जिन फिल्मों के आगे सभी का स्टारडम चकनाचूर हो गया था। इन फिल्मों में वैसे तो अमिताभ बच्चन भी उनके साथ थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के ऊपर विनोद खन्ना भारी पड़ गए थे। साल 1975 में आई फिल्म जमीर, 1976 की फिल्म हेरा फेरी, 1977 की फिल्म परवरिश, 1977 की ही फिल्म अमर अकबर एंथनी और 1978 की मुकद्दर का सिकंदर। ये फिल्में रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। इन फिल्मों पर दर्शकों ने अपना प्यार भर भर के लुटाया और तब मीडिया में एक ही बात छपा करती थी कि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के ऊपर भारी पड़ गए। दरअसल अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो पहले से ही विनोद खन्ना अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमा चुके थे और लोग विनोद खन्ना के अभिनय के दीवाने हो चुके थे। लेकिन बाद में दोनों साथ में काम करते हुए ऐसा क्या हुआ कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन साथ में नजर नहीं आए, कि विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली। कहा जाता है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना पर एक गिलास फेंकना था और जैसे ही डायरेक्टर साहब ने एक्शन बोला तो अमिताभ बच्चन ने वो गिलास विनोद खन्ना की तरफ जोर से फेंका और सही समय पर विनोद खन्ना नीचे नहीं झुक पाए तो वो गिलास उनकी चीन पर लगा, उनकी चीन की हड्डी पर लगा। इस हादसे से विनोद खन्ना का चेहरा लहूलुहान हो गया था, उन्हें 16 टाके लगे थे और इसी घटना के बाद विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली थी और फिर दोबारा कभी उनके साथ काम नहीं किया।